यार ये जी यहाँ से आप देखेंगे आज कहाँ तक जो है गार्डर डल चुके हैं, और आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में जो है ये वाला फ्लेवर कंप्लीट होने वाला है, और फिर जो है पूरा जो है रामन बानिहाल वाला सेक्शन जो है एकदम स्मूथ ट्रैफिक चलेगा। हेलो जी, कैसे हो सारे? आई होप कि यार आप सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो यार आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की एक बढ़िया सी अपडेट आप लोग के लिए। तो बड़े टाइम बाद जो है मैं ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का ये प्रोजेक्ट जो है आज वीडियो कवर करने आया हूँ। कोई पीछे एक डेढ़ महीने पहले जो है मैंने वीडियो बनाया था इस प्रोजेक्ट पे, तो आज जो है मैं फिर से आया हूँ यहाँ पे। कल जो है जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि भाई जो यहाँ से फ्लाईओवर बन रहा है, जो रामपुर वाला फ्लाईओवर है भाई, इसका जो काम है ना काफी अच्छी स्पीड से चल रहा है और काफी आगे तक जो है आज गार्डर डल चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। तो फिलहाल अभी के टाइम पे मैं किश्तवाड़ी पत्थर से थोड़ा सा आगे हूँ, और यहाँ से आप देखेंगे किश्तवाड़ी पत्थर वहां से स्टार्ट होता है वो सामने से, और वहां से लेके यहाँ तक अभी इसी तरह पिलर्स है। अभी यहाँ से कुछ भी गार्डर वगैरह नहीं डाले हैं, लेकिन यहाँ से आगे आप देखेंगे थोड़ा जैसे ही हम मोड़ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सामने जो है आपको दिखेगा फ्लाईओवर। सामने आप देखेंगे ये जो यहाँ पे आपको दिखेंगे शेडवर्ड बना के, जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं वो जो है इनमें रहते हैं, या कुछ जो है नाइट के टाइम पे सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो पहले जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स हुआ करते थे जब इन पिलर्स का काम था, अभी तो पिलर्स का काम सारा हो गया है। अभी बस आगे से आप देखेंगे बस सिर्फ गार्डर्स का काम जो है थोड़ा सा बचा है, तो इसीलिए जो है अभी वर्कर्स कम है। और आज जो है रक्षाबंधन का दिन है तो आज मुझे लगता है ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कोई भी वर्कर्स नहीं दिखेंगे, या क्या पता आगे हमें दिखे, लेकिन यहाँ से तो कोई भी नहीं दिख रहा है। और अभी जो है मौसम हल्का सा कहेंगे कि सही हो रखा है, क्योंकि बारिश जो है हल्की हल्की गिर रही है। फिलहाल जो है यहाँ तक जो आप देखेंगे लास्ट वाला पिलर, और यहाँ से आगे जो है गार्डर शुरू हो जाता है। तो आज हम देखेंगे जरा ये वाला जो गार्डर है ये कहाँ तक है, और लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो वो सामने तक था, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं हम आपको। फिलहाल जो है अभी वन साइडेड ही चलती है गाड़ियाँ यहाँ से, ये चीज देखेंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे यार अभी जो है बहुत सारे गार्डर्स यहाँ पे आ गए हैं, लोडर आप सामने देखेंगे, ये जी देखिए कितने सारे गार्डर्स ये जो इन्हीं पिलर्स के लिए आया हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो ऑलरेडी गार्डर डल चुके हैं यहाँ से जो है कंप्लीट हो गया। और ये वाला जो है सबसे पहला गार्डर डाला है इस जो ये रामसू वाला फ्लाईओवर है, रामसू से ये किश्तवाड़ी पत्थर जो ये वाला फ्लाईओवर है, तो यहाँ से जो है काफी पहले ये डाला गया है ये वाला गार्डर। तो बाकी आज हम देखेंगे कहाँ तक जो है ये गार्डर इन लोगों ने डाले। यहाँ से आप देखेंगे काफी आगे तक जो है डल चुका है गार्डर, तो बहुत ही बढ़िया साइन है यार। ये वाला फ्लाईओवर है ना, ये वाला फ्लाईओवर जो है जम्मू श्रीनगर हाईवे पे सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। आपको पता होगा ये किश्तवाड़ी पत्थर से लेके पूरा मगरगोड़ तक ये वाला फ्लाईओवर है। बीच पे जो है कुछ कुछ जगह पे जो है फ्लाईओवर का यूज नहीं किया गया है, बाकी ऑलमोस्ट आप कहेंगे यहाँ से रामसू तक 7-8 किलोमीटर होगा, और 6 किलोमीटर में जो है सिर्फ फ्लाईओवर का यूज किया गया है। ये वाला जो ये है ना, ये वाला स्टेप जो लिया है इन्हें फ्लाईओवर वाला, ये सबसे यूजफुल और सबसे इनोवेटिव है, क्योंकि ये लोग कटिंग किया करते थे और उससे जो है काफी नुकसान भी होता था इन लोग का भी, और ट्रैफिक चलने में भी जो है दिक्कत होती थी, क्योंकि आपको पता है जैसी बारिश गिरती थी तो लैंडस्लाइड आ जाती थी। तो बाकी फिर जब ये फ्लाईओवर वाला मेथड यूज किया गया तो इससे जो है काफी ये जबरदस्त हो गया, क्योंकि एक तो वर्क स्पीड भी जो है काफी तेज होती है, काम भी जल्दी हो जाता है, बाकी जो है जो ट्रैफिक वन वे से चलता है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि ये जम्मू श्रीनगर हाईवे पे सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, बाकी बीच में ब्रिज वगैरह है, वायरडक्ट है, लेकिन फ्लाईओवर ये सबसे बड़ा है। तो फिलहाल अभी हम आगे तक चलते हैं और देखते हैं भाई कितना क्या कंप्लीट हुआ है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया आज रक्षाबंधन है और ऑफ है, लेकिन आगे जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे नीचे मशीनरी है, और यहाँ से आगे आप देखेंगे वो आगे जो है यहाँ पे वर्कर्स है। तो अभी आगे लेके चलते हैं आपको, ये देखो मेरा दोस्त है यहाँ पे, नीचे बुला रहा है। आज मौसम काफी अच्छा है यार, आप देखेंगे यार हल्की हल्की बारिश है, और इस मौसम में बारिश काफी बढ़िया लगती है, क्योंकि गर्मी जो है बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी बारिश जब आती है फिर जो है एक दो दिन जो है टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है। तो बाकी यार अब तो ऐसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, इसके बाद जो है सेप्टेम्बर आएगा, फिर अक्टूबर, तो अब जो है मौसम ठंडा ही होगा। बस फिलहाल जो है एक डेढ़ महीना है अभी गर्मियों का। तो बाकी यहाँ से आप देखेंगे यार फ्लेवर की हाइट, ये जी देखिए, और आगे अभी जो है
गाय ड्रॉपर भी आए हैं, अभी जो है ये अनलोड होंगे यहाँ पे। तो बाकी फिलहाल हम आगे तक चलते हैं और बाकी वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं बारिश में भी, तो क्या है बात है यार, बहुत जबरदस्त। तो यार ये आप देखेंगे यहाँ से व्यू फ्लेवर का, और मेरा घर जो है वो ऊबर है, तो वहाँ से जो है ना व्यू काफ़ी ज़बरदस्त दिखता है। जब पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो वहाँ से जब क्या ज़बरदस्त वीडियो बनेगा, कोई ड्रोन वोन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कितनी हाइट पे है। तो फिलहाल ये देखेंगे और अभी जो है आप लोग को आगे लेके चलते हैं। अभी जो है बारिश लगी और वर्कर्स ने जो है ये देखो यहाँ पे बनाया है, इसके नीचे जो है अभी है ये लोग। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो बाकी यहाँ से देखेंगे यार आप। आज जो है काफी आगे तक ये फ्लावर बन गया है, आगे तक जो है गार्डर डाल दिए है, ये देखेंगे आप। तो ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ क्या है, इस मशीन का नाम क्या मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे जो है जो चीज़ें नीचे होती है ये यही चीज़ जो है वहाँ पहुँचाया जाता है इसी के ज़रिए। और ये आप देखेंगे तो इसी के ज़रिए जो है सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँचाई जाती है। तो फिलहाल यहाँ से भी जो है गार्डर डल चुके हैं और अभी और थोड़ा आगे चलते हैं। और जैसा कि यहाँ से आप देखेंगे फिलहाल जो है वन वे तो यही ऑपरेशनल, अभी जहाँ से अभी गाड़ियाँ चल रही है तो यहाँ तक भाई, ओहो आज तो काफ़ी आगे तक काम हो गया है यार, ये तो बढ़िया न्यूज़ है। ये जी देखेंगे आप यहाँ पे हो रही है वेल्डिंग, ये जी देखेंगे आप, ये देखिए बहुत सही बहुत ही ज़बरदस्त। पिछले टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तो तब जो सिर्फ वहाँ तक जो है गार्डर डाले गए थे, वहां से आगे जो है इसी तरह पिलर ही थे, लेकिन आज के टाइम पे जो है अच्छी स्पीड से काम चल रहा है। फिलहाल यहां से आप देखेंगे यहां पे स्लेब भी पड़ गया, लेकिन यहां से आगे जो है अभी नहीं पड़ा, अभी जो है यहां से आगे इसी तरह है बस। ये जी आप देखेंगे ये जी देखिए आप, ये आप देखेंगे लास्ट वाला गार्डर जो है वो यही है, यही तक जो है अभी तक जो है ये गार्डर डाले हैं। तो ये आप कहेंगे 500-600 मीटर तक जो है ये डाले गए हैं गार्डर्स, बाकी यहाँ से आगे जो है अभी इसी तरह, लेकिन इनमें भी कम ही टाइम लगेगा। आप सबको पता है जैसे पिलर्स के ऊपर गार्डर आ जाते हैं तो फिर जो है ये थोड़ा सा ये जो चीज़ ये करते हैं ये होने में थोड़ा कम ही टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू जैसे गार्डर वार्डर डालने को जितना टाइम लगता है। बाकी आप देखेंगे ये मशीन कहाँ पर है, तो इसी से जो है अभी ये चीज़ ऊपर लाई गई है, इसी से जो है गार्डर ऊपर लाए गए हैं। आप देखेंगे किस तरह से जो है ये बांधा गया है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक। तो बाकी यहाँ से आगे वो लास्ट वाला वो गार्डर है, वहाँ से आगे फिर आता है नाचलाना ब्रिज और वहाँ पे बनेगा चौक, और फिर वहाँ से आगे जो है शुरू हो जाता है बाकी हिंगनी रामसू वगैरह गांगरो जो भी बाकी एरिया है वो वहाँ से आगे शुरू हो जाता है। तो बाकी आप कहेंगे बस नाचलाना तक जो है विद इन एक मंथ में जो है ये पूरा का पूरा ये बन जाएगा, उम्मीद करते हैं यही। बाकी अभी थोड़ा सा ही है, बस 3-4 पिलर्स है, बाकी उस साइड जहाँ से मैं आया था किश्तवाड़ी पत्थर से वहाँ से जो है कुछ पिलर्स अभी इसी तरह है बिना गार्डर के, तो इनमें भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने लग सकते हैं। बाकी वहाँ से जो आगे है वहाँ से आगे अभी हमने नहीं देखा है, तो वहाँ से आगे किसी और वीडियो में कवर करते हैं। तो फिलहाल जो आज हम यहीं तक आए हुए हैं, ये है यार नाचलाना ब्रिज आप देखेंगे, और यहाँ से आगे अभी आपके टाइम पे आप देखेंगे इसी तरह पिलर्स है, अभी जो है कहीं पे भी गार्डर जो है आपको नहीं दिखेगा, वो जो पीछे तक की जो है अच्छी स्पीड से काम चल रहा है, यहाँ से आगे जो है अभी इनकम्प्लीट ही है। बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि 400-500 मीटर तक जो है अभी गार्डर डाले गए हैं, बाकी जो है अभी इसी तरह का है, तो इस हिसाब से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जो है कितना टाइम लगेगा ये पूर्वे को यहाँ से, मतलब जो रामबन बानिहाल का जो सेक्शन है रामबन से भी जो है कंप्लीट हो रहा है, बाकी किश्तवाड़ी पत्थर से लेके बानिहाल तक तो पूरा का पूरा कंप्लीट ही है। ये वाला स्ट्रेच जो है बीच में इनकम्प्लीट है, तो इसको भी जो है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर कलेक्टिवली जो है मिला के देखे कितना जो है कंप्लीट ये इनकम्प्लीट है, तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर जो है अभी के टाइम पे इनकम्प्लीट होंगे, उससे भी कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 से 15 किलोमीटर होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो बस इतना ही जो है इनकम्प्लीट होगा। बाकी यहाँ से आप देखेंगे यार